नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे जहां भी होंगे। और आप लोगों को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। इंटरनेशनल योगा डे जो है, इसका आज 7वां साल है। ये इंटरनेशनल योगा डे शुरुआत हुई थी 21 जून सन 2015 से। तो 2015 के बाद से पूरा विश्व योगा दिवस मनाता आया है। और 21 जून नदर हेमिस्फीयर का ये सबसे लंबा दिन होता है, वो भी बहुत बड़ा होता है। तो चलिए जानते हैं कि एक्चुअली योगा है क्या, हम योगा करते क्यों हैं। बहुत सारे लोग जब योगा के बारे में उनसे पूछा जाता है कि योगा है क्या, योगा से आप क्या समझते हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए योगा सिर्फ एक शरीर को तोड़ना, मरोड़ना, उसको सीधा करना या लंबी लंबी सांसों को खींचना, लंबी लंबी सांसों को छोड़ना, सिर्फ योगा इतना ही है उनके लिए। पर योगा सिर्फ इतना नहीं है, योगा हमारे शरीर पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, जिसके परिणाम हम एक दो दिन में तो नहीं देख पाते, पर हाँ जब हम इसको लंबे समय के लिए प्रैक्टिस करते हैं, निरंतर अभ्यास में रहते हैं, तो इसका असर हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर पूरी तरीके से पड़ता है। और इसका जो असर है वो हम सब लोग धीरे धीरे महसूस कर सकते हैं। एक जो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम योगा को कहें, तो योगा का अर्थ हुआ कि जोड़ना, अपने शरीर को अपने मन से जोड़ना, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। जब हम ये प्रयास करते हैं, इसको ही हम कहते हैं योगा। जब तक मैं योगा नहीं सीखा था, या मैं जब योगा में नहीं आया था जब तक, तब तक मैं भी अपने ईश्वर को, अपनी खुशियों को, अपनी हर चीज को बाहर तलाशता था। पर जब से मैंने योगा करना शुरू किया है, तब से हर चीज को, अपने ईश्वर को, अपनी खुशियों को, अपने मन के हर एक विचार को मैं अपने अंदर ही तलाशता। और सच में अगर मैं आपको बताऊं तो ये अंदर ही है हमारे। और ये मैं कोई किताबी बात नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब उसके बाद मैं योगा के बारे में दूसरों लोगों को बताता हूँ, हर चीज हमारे अंदर है, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान हमारे अंदर है। अगर हम आत्मा को मानते हैं कि वो परमात्मा का एक अंश है जो हमारे अंदर है, तो हम भी तो ईश्वर के ही एक अंश हुए। हम चीजों को बनाते हैं, हम चीजों को संजो के रखते हैं। जब हमारा मन उन चीजों से भर जाता है, या जब वो चीजें खराब हो जाती है, तो हम उस चीज को तोड़ फोड़ के बाहर फेंक देते हैं और फिर से एक नई चीज अपने साथ ले आते हैं, या हम एक नई चीज का निर्माण करते हैं, उसको फिर हम संजो के रखते हैं कुछ समय के लिए। तो ये जो अंश है, जो शिव, विष्णु, ब्रह्मा, ये जो अंश है, ये सारे हमारे अंदर है। तो जब ये अंश हमारे अंदर जो है, इस अंश को जब हम पूरी तरीके से साफ सुथरा करके रखते हैं, तभी ये हमारी परमात्मा से मिल सकता है। अगर इस आत्मा में कोई भी खोट, इस आत्मा में अगर कोई भी बेमानी रहेगी, तो वो अपने परमात्मा से नहीं मिल पाएगा। क्योंकि परमात्मा को जो हम मानते हैं, उसमें कोई खोट नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई छल, कपट, लालच, इस तरीके की चीजें नहीं है। उसकी हर एक इच्छाएं, उसकी हर एक मनोकामनाएं उसके कंट्रोल में है, उसके वश में है। और यही हमें अपने साथ करना है कि हम अपने हर एक इच्छा को, हर एक जो हमारा लालच है, हमारी जो क्रोध है, इन सब चीजों को हम जब कंट्रोल करते हैं, ये सारी हमारी चीजें हमारे लाइफ को बहुत बेटर, बहुत बेहतर बनाती हैं। तो योगा सिर्फ शरीर को तोड़ना, मोड़ना या उसको मरोड़ना नहीं है। योगा ही एक ऐसी प्रैक्टिस है, योगा ही एक ऐसा तरीका है जिसमें हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा, ये तीनों एक बैलेंस में आती हैं। और इस बैलेंस में ही हम अपनी सारी खुशियां, वो एक सुखदायी जीवन होता है, एक आनंदमय जीवन होता है। इसमें हम हर चीज को, अगर हमें भूख भी है, तो हम उस भूख को भी एंजॉय करते हैं और हर एक रोग और हर एक चिंता से दूर रहते हैं। पर निरंतर अभ्यास जरूरी है। 1 घंटा 40 मिनट दिन का अगर आप योगा को देते हैं, तो ये आपके जीवन को धीरे 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 बदलना शुरू कर देता है। योगा करें, अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को सुखी रखें। करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद।